एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो आ रही है बोकारो से। बोकारो में बीती रात से ही पुलिस और सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक इस मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं। गंभीर रूप से जख्मी एक जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस को 20 से 30 की संख्या में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ी के तलहटी स्थित टूटी झरना में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक राइफल, 15 गोली, एक मैगजीन और अन्य सामानों को जब्त किया गया है। मुठभेड़ के कुछ बाद कुछ नक्सलियों के आसपास के गांव में भी छिपे होने की खबर मिल रही है। कल रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेज, इसमें कि सीआरपीएफ, बोकारो जिला पुलिस, सैट की टीम, जेजे की टीम थी, उसका मुठभेड़ नक्सल के साथ हुआ है, जो कि जगह जो है टूटी झरना के आसपास मुठभेड़ हुआ है, जिसमें कि एक सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुहिम सीआरपीएफ पुलिस की टीम बनाकर उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश है फुलाइन पर। दिनेश, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या मुठभेड़ अभी तक जारी है? जी देखिए, मुठभेड़ तो अब बंद हो गया है, क्योंकि अभी हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट से बात हुई है और सीआरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि मुठभेड़ जो था वो हम लोग बंद कर चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी नक्सलियों के टोह में चलाए जा रहे हैं। वहाँ लुगु पहाड़ी के जो आसपास के जो गांव हैं, वहाँ मिथिलेश दास्ता के छुपे होने की भी खबर पुलिस को मिल रही है, जिसको लेकर के लगातार। दिनेश, कितने नक्सली वहाँ हो सकते हैं, क्या कुछ बताया कमांडेंट ने आपको? देखिए, जैसा कि जो खबर जो मिली है, कुछ नक्सली निकल गए हैं, लेकिन लगभग 4 से 5 नक्सलियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है और जिसको लेकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि उन नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे अब मैं आपको बता दूं कि जिले के तमाम जितने भी बड़ी अधिकारी हैं, चाहे सीआरपीएफ कमांडेंट हो या डीआईजी हो, एसपी हो, सारे लोग घटना स्थल को रवाना हो चुके हैं। और दिनेश, 2 जवान घायल हुए हैं, एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल क्या कुछ उनके संबंध में खबर मिल रही है आपको? हाँ जी, देखिए उस मामले में मैं आपको बता दूं कि जैसा डीआईजी ने बताया, जो डीआईजी के मुताबिक जो है उन जो जिनके जिन जवान की छाती में जो गोली जो लगी है, उनकी गोली भी छाती से निकाल दी गई है, लेकिन अब अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और एक तो हालांकि जिसे पेट में गोली लगी है उस सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन एक जवान की हालत अभी भी नाजुक। दिनेश, एक सवाल यह भी है कि बीती रात से ही यह जारी है मुठभेड़, और कुछ नक्सली है जो आसपास के गांव में छिपे होने की खबर जैसा कि बताया जा रहा है, तो क्या उन्हें पकड़ पाने में पुलिस को अभी तक सफलता मिल पाई है? देखिए, अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, लेकिन चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लेने की बात एसपी ने बताया कि चारों तरफ से नक्सलियों को घेर दिया गया है। नक्सलियों को घेरने के बाद ऑपरेशन जारी है, हर सभी घरों में भी छुपे, जहां उनकी संभावना है नक्सलियों के छुपे जाने की, उन गांव के उन घरों की भी तलाशी बारी बारी से लिए जा रहे हैं। ऐसे कई गाँव है, जो एक दर्जन गांव है, जिन तमाम सभी गांवों में ऑपरेशन जारी है, और वहां केवल जिला बल के ही जवान नहीं, बल्कि वहां सीआरपीएफ का दस्तावेज, सीआरपीएफ का भी जवान जो है। आखिरी सवाल नवीन, आपसे, दिनेश माफ करिएगा आपसे, कि पुलिस इस कार्रवाई को किस तरह से देख रही है, क्या इसे सफलता मान रही है, क्या आगे भी सर्च अभियान जो है कब तक चलाया जाएगा, क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस? जी देखिए, अभियान तो जो है लगातार करीब एक पखवाड़े से चल रहे थे, और लगातार जब जब नक्सलियों की खबर मिलती है, उसकी चहलकदमी की जब जब प्रशासन को और पुलिस को जो खबर मिलती है, तो लगातार अभियान चलाए जाते हैं। उसी रूटीन अभियान के तहत ही यह बात सामने आई थी कि मिथिलेश का जो दास्ता जो है कुछ कर गया है और जंगलों में छुपे हुए हैं, और उसी के सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान संयुक्त रूप से अभियान चला रहे थे, और तभी ताबड़तोड़ नक्सलियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
दिनेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दिनेश। तो आपको बता दें कि बोकारो की खबर है, जहां सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच कल रात बीती रात से ही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, हालांकि जारी थी और अब खत्म हो चुकी है। कुछ देर पहले ही इस मुठभेड़ में दो जवानों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिसमें एक जवान की जो हालत है काफी गंभीर है, जिन्हें रांची भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। हालांकि हथियारों का जखीरा यहां से बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।